और अगर बात की जाए दराज के सबसे बड़े एडवांटेज की और सबसे बड़े डिसएडवांटेज की, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये होता है कि कोई भी चीज आप सबसे पहले लॉन्च कर दे, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज आपका ये बन जाता है कि आपने कोई चीज लॉन्च तो कर दी लेकिन यूजर उसे अवेयर नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता कि किन सर्कमस्टांसेस या किन यूज केसेस के अंदर इस चीज को यूज करना। फॉर एग्जांपल अगर दराज ने लॉन्च किया ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ही नहीं चाहते थे, उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करनी ही नहीं आती थी, तो दराज के लिए बहुत ज्यादा हर्डल भी बन गया था। दराज की अगर बात की जाए तो दराज लॉन्च हुआ था दो बड़े ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिले, एक तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी पेमेंट गेटवेज नहीं मौजूद थे, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तरह से नहीं कर सकते थे, इसी तरीके से डिलीवरी के लिए जो कॉरियर सर्विसेज होती है वो भी मौजूद नहीं थी, और तीसरा ये कहें कि जो मार्केटिंग चैनल थे वो भी इतने ज्यादा मौजूद नहीं थे क्योंकि सोशल मीडिया बाकी चीजें ग्रोइंग फेज के अंदर थी। और जो सबसे बड़ा इन्हें डिसएडवांटेज था वो ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स था, क्योंकि जिस तरह पहले बताया गया पाकिस्तान की जो मार्केट थी वर्चुअल मार्केट थी उसके अंदर फ्रॉड बहुत ज्यादा कॉमन था, और इसी मसले को तो सॉल्व करने से दराज आया था, लेकिन दराज ने इनिशियली ट्रस्ट तो बिल्ड करना था कस्टमर, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला था कि वो ट्रस्ट को किस तरीके से बिल्ड कर सके। लेकिन इन मसलों को हल करने के लिए दराज ने क्या किया कि दराज ने मुख्तलिफ डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जो डिलीवरी प्रोवाइड करते थे इस तरह की सर्विस देते थे उनके साथ मुआहदे किए, उनको इंगेज किया, इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग है वहां पर बहुत ज्यादा फोकस किया सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, वहां बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और उसको बड़े अच्छे से ये लेकर चले, तो जो ब्रांड अवेयरनेस वाली चीज थी वो काफी हद तक यहां से कवर होगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सी कस्टमर फ्रेंडली जो थी वो पॉलिसीज अपनाए, यानी रिफंड की पॉलिसी को ले आए, आप 7 दिन की रिफंड पॉलिसी आ गई, 14 डेज वारंटी भी आ गई, इस तरह की मुख्तलिफ उन्होंने ये चीजें की कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी ज्यादा से ज्यादा बिल्ड हो और वो ज्यादा से ज्यादा जो क्वालिटी चीजें वो प्रोवाइड करना शुरू करें। फिर इन्होंने अपने जो कस्टमर सपोर्ट सेंटर थे वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो बनाना शुरू कर दिए ताकि यूजर्स को जो मसला आता है वो वर्चुअली भी रब्ता कर सकते थे, लेकिन अगर फिजिकली जाकर वो अपना मसला बताना चाहते हैं उसका हल सोल्यूशन चाहते हैं तो वो चीज भी वो कर सकते थे। इसने भी लोगों को कस्टमर्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट पैदा कर दिया दराज के हवाले से।